नमस्कार, क्या आप, आपका मित्र या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो लकवा ग्रसित है और इस बीमारी से काफी समय से जूझ रहे हैं और काफी इलाज लेने के बाद में भी आराम नहीं है, तो यह वीडियो आप ही के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोगड़ा इंदौरी के व्लॉग में डॉक्टर पवार के बारे में, जो कि पिछले 20-25 वर्षों से इंदौर के पास महू और महू से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बसी पिपरी के नाम से एक ग्राम है, जहां पर लकवा ग्रसित लोगों का इलाज किया जा रहा है। पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, बॉडी काम नहीं कर रही है, एक तरफ का शरीर काम नहीं कर रहा है और काफी बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज लेने के बाद में भी अगर परेशान हो चुके हैं इलाज लेकर, तो फिर एक बार आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डॉक्टर कब कब अवेलेबल होते हैं, यहाँ पहुंचने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है यदि आप दूर से भी आते हैं, और इस स्थान पर देखिए मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश के बाहर से पूरे भारतवर्ष, राजस्थान, जबलपुर और गुजरात के कई यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जिनसे हमने बात करके और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और यह वीडियो आप ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके काम आ सके। आपके मित्र, आपके परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैरालाइज्ड है, काफी इलाज लेने के बाद में परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो उनसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखिएगा कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ हमको देखने के मिलती है श्री श्री रविशंकर जी, यानी कि डॉक्टर पवार जो है वो श्री श्री रविशंकर जी से प्रेरित है और ये है उनका क्लिनिक, संजीवनी क्लिनिक। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर बैठकर वह सभी मरीजों का इलाज करते हैं और कई दूर से लोग यहाँ पर पधारते हैं। और यहाँ पर क्लिनिक के ही जस्ट 500 मीटर की दूरी पर ही देखिए बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पूरी व्यवस्था है। ग्रामीण इलाका है पूरी तरीके से और यहाँ पर आपके लिए बैठने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए छाँव की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पर चाय पानी पी कर इंतजार कर सकते हैं। साथ में एक भाई साहब जो है, जो यहाँ पर पहुँचने पर आपको नाम लिखवा कर नंबर लगाना होता है, तो अपना यहाँ नाम लिखा दीजिए, भाई साहब आवाज़ देंगे, तब आपको अपनी गाड़ी लेकर क्लिनिक की ओर निकलना होता है। और ये देखिए इतने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये है डॉक्टर का क्लिनिक जहाँ पर डॉक्टर पवार बैठ कर पैरालाइज मरीजों को यहाँ पर अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। और यहीं पर क्लिनिक के जस्ट सामने एक माता जी का मंदिर भी है। डॉक्टर पवार धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनका निवास स्थान पुराने समय से यहीं पर रहा है, इसलिए वह इस स्थान को छोड़कर भी नहीं जाते हैं। और ये बसी पिपरी गांव में मंदिर के सामने की ही, और जो सामने की ओर आप वृक्ष के पास देख रहे हैं, ये डॉक्टर पवार का स्थान है। और यहाँ पर आपके वाहनों को पार्क करने के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आकर आपको पहले नाम लिखवाना होगा, नाम लिखवाने के बाद में ये भाई साहब आवाज़ देकर बुलाएंगे, उसी वक्त आपका नंबर लग जाएगा। 3 बजे के पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होता है, दवाइयाँ यहीं से दे दी जाती है, साथ में यहाँ पर क्लिनिक भी है और यहीं से दवाइयों का जो भी कम से कम शुल्क होता है उन्हीं दामों में दवाई को यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इंदौर से महू, महू से बड़गोंदा बालाजी और बड़गोंदा बालाजी से जामगेट वाली रोड पर होकर बसी पिपरी ग्राम में आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको कॉर्नर पे ये माताजी का मंदिर दिखेगा, इसके सामने की और ये डॉक्टर का क्लिनिक है। और देखिए आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो नंबर लगते हैं वह कम से कम 250-300 नंबर तक पहुँच जाते हैं और 3 बजे के पहले ही नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आने के पहले आप फ़ोन पर भी नंबर लगा सकते हैं, पर उसमें नियम लागू है कि आपको यहाँ पर आपका नंबर आने के आधे घंटे पहले पहुँचना होता है। तो कोशिश करिएगा कि आप फ़ोन पर नंबर लगाकर अगर आते भी हैं तो आधे घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाएं, या फिर आप जल्दी पहुँचकर भी यहाँ नंबर लगा सकते हैं। और एक पेशेंट को देखने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगता है अनुमानित, तो उस हिसाब से ही आपका समय मैनेजमेंट का भी देखकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ की सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, गूगल मैप की लोकेशन भी दे दी जाएगी और आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए नंबर भी दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं। और ये क्लिनिक से देखिए सामने की ओर है, यहाँ पर 300-400 मीटर की दूरी पर ही आपके वाहन पार्क करने की, आपके रुकने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर चाय की टपरी भी बनी है, आप चाय पीकर नाश्ता करके यहाँ पर ठहर भी सकते हैं और अपना इंतज़ार कर सकते हैं। कई लोग देखिए बाहर से पधारे हैं कि ये कुछ लोग जो है, ये ग्वालियर की गाड़ी भी यहाँ पर आई है, राजस्थान की गाड़ी, महाराष्ट्र की भी गाड़ी यहाँ पर आई है, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं और ये लोग भी सारे अस्पतालों में इलाज लेकर परेशान हो चुके थे, उसके बाद में यहाँ पर पधारे हैं। डॉक्टर पवार बसी पिपरी के इस स्थान का वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं डला नहीं था, हमने प्रयास किया है। हम लोग भी यहाँ पर एक मरीज लेकर पहुँचे थे और उन्हें भी काफ़ी आराम हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपके भी परिवार में कोई मित्र ऐसा है लकवा ग्रसित इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जिन पेशेंट को लाए उन्हें आराम हुआ है या नहीं हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जोगिड़ा इंदौरी को फॉलो जरूर करिएगा।
चौथा नंबर शरीर। कर दीजिएगा ये बसी पिपरी स्थान जो है मध्य प्रदेश इंदौर, इंदौर से महू और महू से बड़गोंदा जामगेट वाली रोड पर बसी पिपरी के नाम से एक स्थान है। वहाँ पर यह डॉक्टर पवार का क्लिनिक है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको महू मिलिट्री एरिया क्रॉस करके ऐसे पहुँचना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको यहाँ पर डिटेल्स दे देंगे, नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि आप यहाँ पर इजीली पहुँच पाएँ। और यदि आप पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पहुँचने के बाद में यदि आपके भी मरीज को आराम मिला है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जोगड़ा इंदौरी के अगले व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।